गाइस ये क्रेन है, ये सादा में इसकी ट्रैक्टर है, इसका इंजन कस के आपको हम बताएंगे दोस्तों। ये इंजन है, इस पर आपको हम क्रेन कस के बताएंगे, पूरा इंजन कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। दोस्तों ये बिगिन फिटिंग हो रही है, इनको बिगिन भी बोलते हैं दोस्तों और विराज भी बोलते हैं इनको। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुके हैं, बिगिन सब लगा दिए चारों। बिगिन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इसमें सब में ऑयल डालना, ऑयल डालने के बाद फिर क्रेन लगाना दोस्तों। ये दोस्तों इसमें ऑयल लगाने के बाद क्रेन को इस तरीके से लगाना, लगाइए भाई क्रेन को। ये क्रेन पूरी तरह बैठ चुकी है दोस्तों। दोस्तों ये थ्रस्ट वाइसर है और इनकी साइज दोनों के अलग अलग है, एक S1 का है और S2 का है, या S1 का जो है S1 पे लगेगा, S2 का है वो S2 पे लगेगा। इसका दोस्तों ध्यान रखना, आप ऊपर नीचे का ध्यान रखना बस। ये थ्रस्ट वाइसर है, 1 का अंदर लगा रहा है, S1 का अंदर लगा रहा है हम थ्रस्ट वाइसर। इसमें दोस्तों कट रहता है, इस कट का ध्यान रखना आप, कट को बाहर साइड रखना है और जो प्लेन जगह है ये जगह आपको ब्लैक तरफ रखनी है। लगाया इसको, ये कैप को इस तरीके से लगानी है, दोनों थ्रस्ट वाइसर लगा के ऊपर नीचे के इस तरीके से कैप को लगानी है, सही तरीके से बिठा के फिर इसको टाइट करनी है आपको। इसके बाद ये अगली कैप लगाना दोस्तों, लगाओ फटाफट कैप। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है आप, इसके अंदर इसमें मक्खी पैंट रहता है, ये मक्खी पैंट दिख रही है, ये मक्खी मिला के लगाना है आपको, कैप से कैप मक्खी मिला के लगाना दोस्तों, इसका ध्यान रखना आप। सही है, इस फटाफट लगा बेटा एक और, ये मक्खी से मक्खी मिलाना दोस्तों, दो तीन नंबर वो, ये मक्खी से मक्खी मिला के लगाना है, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर लगेगा, दूसरा नंबर के बाद लगेगा चौथा, अपन पहले लगा चुके हैं। अब इसको क्रेन को पूरी तरह टाइट कर दो, सभी की मक्खी मिला के लगाना दोस्तों। इस तरीके से लॉक अंदर भर के और ऐसा दबाना चाहिए, तो इस लॉक को इस तरीके से घुमा लेना, ये लॉक पूरी तरह बैठ चुकी है, कंप्लीट बैठ चुकी है। ऑयल रिंग लगानी है, ये पत्ती वाली एसी उठानी है दोस्तों इस तरीके से, और इसका मुंह साइड में रखना दोस्तों इस तरीके से। तो हाथ फेर लेना, फिर उसके बाद ही बिठानी है। ये अलग टाइप की है, वो सीधी है, ये थोड़ी बेंड बेंड टाइप है, इसको 20 मिनट लगानी दोस्तों, इसको बीच में उतारने के बाद में फिर दोनों सीधी ये लगानी दोस्तों, सीधी वाली लगानी है। इस तरीके से बिठानी दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुकी है, फिर उसके बाद आएगी अपने पत्ती वाली रिंगे आएगी, ये चार लगेगी दोस्तों, ये चार है, ये पत्ती वाली रिंगे चार है, इसको
इसको इस तरीके से बैठानी है चारों को, तो घुमा के देखनी है इसको फिर।